इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पटना के रामकृष्णा नगर इलाके में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। रामकृष्णा नगर में दो लोगों को गोली मार दी गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आपको बता दें कि दूसरा युवक जिसको गोली लगी है वह गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद पूरे रामकृष्णा इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर रामकृष्णा नगर थाने की पुलिस पहुंच तो गई है, मगर अपराधी फरार हो गए हैं। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग, आइए हम आपको सुनाते हैं। गोली चलने की सूचना मिली है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, वो लोग पहले से उधर से गोली चलाते हुए आ रहा था, किसी को कुछ लगता है छीन छोड़ के आ रहा था। हम लोग अरे अरे चिल्लाएं से तो हम ही लोग पे भी गोली चला दिया। किस चीज़ से था युवक? 220 बाइक से था पल्सर। कितने लोग थे? 3 लोग था। अपराधी थे या फिर यहीं के रहने वाले थे लोग? इधर ही BS पीता है सब, इधर नाला पे लोग था। किस जगह गोली चलाया वो? ढेलमा, पश्चिमी ढेलमा में। कौन थाना पड़ता है? रामकृष्णा नगर। क्या पहले से दुश्मनी था या इसे आपसी जो है रंजिश था? क्या कोई रंजिश नहीं था? सब नशेड़ी है तो सब रंजिश क्या है? अच्छा, छीन छोड़ करना काम है सबको। वर्चस्व को लेकर के क्या? कुछ नहीं, वर्चस्व का है। 3 लोग थे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सूरज यादव। मिले हैं अभी अभी मेरे पास फोन आया कि ज्योतिष रोड में गोली चला, ठीक है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल है, ठीक है, एक महिला और एक लड़का घायल है। अच्छा, गोली चलाने वाले को लोग पहचान रहे हैं, लेकिन अगर बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो बताने से इनकार करते हैं, तो उसमें तो फिर कोई प्रशासन लोग को कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। पता चला किस चीज़ से गोली चलाने वाले थे? ये तो पता नहीं चला। 3 लोग थे। 3 लोग थे। किधर से चलाते हुए आए? उधर से चलाते हुए आए, उत्तर साइड से और दक्षिण साइड। आपसी दुश्मनी था कि वर्चस्व को लेकर के गोली चला रहे थे? अब ये हम लोग तो नहीं बता सकते। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गोली मारते हुए निकल गए? नहीं, वहाँ कुछ लोग वहाँ इस रोड में जो है कुछ लोग मने रोड पर बैठते हैं, 5 लड़का 10 लड़का बैठते हैं। अच्छा। वो लोग पर अटैक था, लेकिन गोली दूसरे लोग के लग गया। आम नागरिक के लग गया गोली, चला रहे हैं आप पर। कितने देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची? सूचना मिली है? सूचना मिली तो आए थे यहाँ पे, देखी कि इसी तरह के, अभी तो नाम पता कन्फर्म नहीं हुआ है, वो गोली चलाते हुए इधर से जा रहा था उसी क्रम में अभय को। कौन सा जगह है सर ये? ज्योतिष ढेलवा ज्योति। क्या अपराधी की पहचान हो चुकी है? कौन लोग हैं? अच्छा, ठीक है। कितने लोग को गोली लगी थी? सूचना के अनुसार तो 2 को है। अच्छा, क्या लग रहा है, आपसी रंजिश या कुछ वर्चस्व को लेकर के? वर्चस्व को लेकर के कोई आपसी रंजिश वाली बात अभी सामने नहीं है। क्या अपराधी को गिरफ्तारी की जाएगी? CCTV नहीं करने का सवाल कहाँ? अच्छा, कब तक गिरफ्तार कर ली जाएगी? अब ये तो हम कन्फर्म नहीं बता सकता है, लेकिन प्रयास रहेगा जितना। सूचना मिल गया कौन लोग थे? पूरा पता अभी इसी में नहीं है, जांच में जुट गए। बाइक से उधर से आया चलाते हुए गोली चल रही। कौन लोग थे? 3 लोग, लड़का था सर। अच्छा, किससे थे, किस चीज से? अच्छा, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे? अंधाधुंध नहीं, 2 को फायरिंग किया था। अच्छा, आपको क्यों गोली मारा? हमको क्यों, हम जा रहे थे रास्ता में तो हमको लग गया। अच्छा, कितने फायर किए थे? 2 फायर किया था। जान पहचान नहीं था? कौन लोग थे? जान पहचान नहीं, लेकिन हम उसको जानते हैं। अच्छा, कौन गाड़ी से था? गाड़ी ध्यान में नहीं, तो नहीं है। 3 लोग थे। और किन्हीं लोग को गोली लगी है? हाँ, एक और लेडीज को लगा। पहले से दुश्मनी था क्या आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यही लोकल लोग हैं? हाँ, आसपास। क्यों गोली चला रहे थे? वर्चस्व को लेकर के? पता नहीं, शायद हो सकता है। क्यों चला रहे थे, नहीं चला रहे थे, इसका तो हमको अंदाजा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अभय राज। देशडी न्यूज के लिए क्राइम रिपोर्टर अनु प्रकाश की रिपोर्ट। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।